वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मेरे मगर की लोकेशन देख के आप जी ने अंदाजा हो ही गया होगा कि असी पहुँचे हाँ जी अज श्री आनंदपुर साहब जी की धरती से, जेडे कि खालसे की जन्म भूमि है जी। इस जगह के नाल बहुत वड्डा इतिहास है जी, सिखां दा जिहड़ा इस जगह के नाल जुड़िया होया है। अज असी जो इतिहास की आप जी के नाल सांझ पाउण जा रहे हाँ जी, वह गुरु साहब जी का इस किले नूं छड्डना ते इस किले के परिवार विछोड़े तो लैके छोटे साहबजादे की शहीदी तक इस वीडियो के दौरान असी सारा आप जी के नाल शेयर करांगे जी। इस सीरीज़ की यह पहली वीडियो है जी जो आप जी सरवण कर रहे हो जी। इस तो बाद इस सीरीज़ दियां होर वीडियो स्टैप बाय स्टैप असी अगे पोस्ट करांगे जी इसे अपने चैनल राज करेगा खालसा जी। वीडियो दे विच अगे वधन तो पहलों मैं आप जी नूं सब नूं एक बेनती करदा हाँ जी, वीडियो नूं लाइक कमेंट ते शेयर जरूर करियो जी। आप जी दे होर भी कोई सुझाव होण तां जरूर कमेंट सैक्शन दे विच, नीचे आ रहा कमेंट सैक्शन उहदे विच अपने सुझाव जरूर छड्डो जी। हुण आप जी नूं अगे दर्शन करवाउंदे हाँ जी। ये जो आप जी दे सामने सन्मुख ये जिहड़ा छोटा जिहा कमरा आप जी देख रहे हो जी, ये सिंघां वल्लों इत्थे दस्सिया गया है कि ये पुरातन समय की जो इमारत बनी हुई है ये गुरु घर की उस समय जो रसोई सी, जो सानू सिंघां वल्लों पता लगा है उन्होंने सानू इस बारे दस्सिया है जी कि ये उस समय की आ रसोई है जो हुण ते इस वेले तां इसनू बंद किया गया है, पर उस समय की दसी जा रही है कि ये जिहड़ी आ रसोई सी। बिल्कुल ये किले दे साइड एक पासे है जी, तो असी अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये छोटा जिहा जो रूम बनया है काफ़ी पुरातन है, ये बाद विच नहीं बनया, ये उस समय का लग रहा आप जी। इहदा जो बनन का तरीका है वह देख सकते कि पुराने जमाने के हिसाब ना ही बनया होया है। इस दे बिल्कुल खब्बे हाथ जेकर अं ये सामने खलोने जी ये गेट के, तो खब्बे हाथे के जिहड़ा किला आनंदगढ़ साहब है जी वो सानू वो दर्शन होंदे हन जी। हुण आप जी नूं किले आनंदगढ़ के अंदरों दर्शन करवाने हाँ जी, जो कि जदों इस अस्थान के उपर मुगलों वालों हमला किया जाता है तो उस किले नूं काफ़ी भारी मात्रा के नुकसान पहुँचाया जाता है, तो जो कि किला वो काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा नुकसानिया जाता है। उस तो बाद इस किले नूं भाई करतार सिंह जी द्वारा सेवा करके जो उसकी जिहड़ी उसारी करवाई जाती है जी, वो हुण आप जी नूं उस किले के दर्शन करवाने हैं। हाँ जी वाहिगुरू जी, ये किला है जी किला आनंदगढ़ साहब जो आप जी दर्शन कर रहे हो जी। इसका इतिहास देख के भी इतने लाया है जी। ये किला श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पंजा किलों में एक है। भंगाणी का युद्ध जितने तो बाद गुरु साहब जी ने सम्मत 1746 सन 1699 तो 1705 तक मुगलों और पहाड़ी राजों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े। किले के अंदर गुरु साहब जी के समय की पुरातन बौली साहब जी के दर्शन करो जी। गुरु साहब जी के सिंघां वालों गुरु साहब जी को बेनती प्रवान कर मुगल फौजां ते पहाड़ी राजां वालों हमला ना करन दी कसमां खाण ते गुरु साहब जी इत्थों किला खाली करके समूह सिंघां ते समेत चमकौर साहब जी नूं चाले पा दित्ते सी। इह किले दी जो पुरातन दीवार है जी इन्नी कु छड्डी गई है जिस नूं उपरों कवर नहीं किया गया, इह आप जी दर्शन कर सकते जी। इह पुरातन जिहड़ा इह मीनार नूं भी पुरातन दस्सिया जांदा है जी, क्योंकि मुसलमानां वालों जिहड़े ओह मुगलां वालों ते पहाड़ी राजां वालों जदों हमला किया जांदा है इस किले नूं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जांदा। इस किले की जिहड़ी सेवा है बाद विच करतार सिंह जी उन्होंने करवाई जिहड़ी इहनूं दुबारा सारी जिहड़ी इहदी करवाई इहदी मरम्मत करवाई जो हिस्से दे बच गए सन जी, ते इस किले दे अंदरों आप जी नूं दर्शन करवाउंदे हां जी। ते इस स्थान तो ही इस जगह उपर तकरीबन अद्धे साल तो ज़्यादा जिहड़ा पहाड़ी राजां वल्लों ते होर मुगलां वल्लों इस जगह उपर घेरा पाया जांदा है, जिस दे विच सिंघां ने काफ़ी जदोजहद नाल इत्थे जिहड़ा ओह उहनां दे नाल टाकरा कीता। फिर भी हाँ जी संगत जी, ये आप जी दर्शन कर रहे हो जी। ये पुरातन उस समय दियाँ जो इट्टां हैं ते इस दीवार नूं हुण शीशे दे विच मतलब मढ़ दिता गया है ताँ कि इहनूं कोई होर नुकसान ना पहुँचाया जा सके, संगत दर्शन कर सके इस दे, ते इस दे उपरों कोई जो मिट्टी वगैरह है वो जिहड़ी आ बाहर ना डिगे, इस करके इसनूं कवर किया गया शीशे नाल बड़े सोहणे तरीके दे नाल। ये पुरातन समय की वो दीवार है जी किले की, किला आनंदगढ़ साहब जी। इस एक इस पासे एक सामने पासे दीवार है जो जिन्हां नूं शीशे दे विच बड़े सोहणे तरीके दे नाल मढ़ के ते संगतां दे दर्शनां लई रख्या गया है जी।
आप जी दर्शन कर सकते हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का प्रकाश किया गया है जी किले के अंदर। यह वो किला है जी जो गुरु साहब जी के परिवार समेत सिंघां दे नाल छड़ के श्री चमकौर साहब जी नूं चाले पाए सन जी। इस जगह तो ही भाई मां सिंह जी ते होर नाल दे सिंघां ने बदावा लिख के गुरु साहब जी नूं दिता सी ते जिहड़े कि अखीर दे विच मुक्तसर की जंग दे विच उन्हां ने जंग दे विच साथ दे के ते पाशा को वो जिहड़ा बदावा सी वो पड़वा लिता जांदा सी। ते इस जगह उपर ही तीन साहिबजादियां दा जिहड़ा ये जन्म स्थान है जी ये भी हाँ जी वाहगुरु जी आप जी ने किले के दर्शन तो आप जी ने करवा दिते। हुण असीं जा रहे हैं जी तप स्थान भाई जैता जी जिन्होंने बाबा जीवन सिंह जी आपां नाम नाल जानते हैं जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्र जो सीस है जी उसनों गुरु साहब जी तक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी तक पहुँचाया सी दिल्ली तो लिया के। हुण आप जी ने उन्हां दे तप स्थान के दर्शन करवाउण जा रहे हैं जी। उधरले साइड ते 84 पौड़ियां सानूं संगत वल्लों दसियां गईआं हन ते असीं जो रसोई दी गल पिछले वीडियो दे विच कीती गई है जी उस दी ते जो 84 पौड़ियां इहनां ते ही कोई दावा इस करके नहीं करदे कि इह असीं पढ़िया नहीं इह सानूं संगत वल्लों दस्या गया जी जो इतिहास है जी। इस करके कृपा करके संगत जी जेकर साडे कोई गलती हो गई होवे इतिहास दस्सदिआं उन्होंने संगत बख्शन योग है गुरु साहब जी बख्शन योग ने खेमा दे जाचक हाँ जी। जेकर फिर भी असी फिर लास्ट के इस करके माफ़ी फिर मंग रहे हैं जी क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है साडे मूर्खां दा काम नहीं है पूरियां दा इतिहास जिहड़ा असी साडे वर्गे अधूरे दस सकन जी। असी सिर्फ दे सिर्फ साडा मकसद इहो जो इतिहास असी अज सरवण कीता वो संगत दे नाल शेयर करिए जी। हुण आप जी ने 84 पौड़ियां दे दर्शन करवाने हैं जी जिन्हां दे राही गुरु साहब जी चल के लंघते रहे होणगे बाबा जैता जी भाई जैता जी जिन्हों आप कहने जी वो जाते रहे हैं कि उत्थे सिंह साहब जी अनाउंसमेंट भी करते हैं कि ये पौड़ियाँ वो इतिहासिक सन पुराने समय दिया जड़ियाँ ये पौड़ियाँ ने उन्होंने आप जी ने दर्शन करवाने जी। आज हाँ जी वाहगुरु जी असी हुण उस पौड़ियां ते पहुँच चुके हैं जिन्हां दा जिक्र संगत वल्लों कीता गया सी। हुण आप जी वो दर्शन कर रहे हो जी वो पौड़ियां दे ते जिन्हां दे राही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने पावन चरणा कमलां दे नाल इस पौड़ियां नूं उतरदे रहे होणगे इस रस्ते नूं इस्तेमाल करके अगे जाण दे लई। ते हुण आप जी नूं सारियां 84 पौड़ियां दे आपां नूं हेठां उतर के आप जी नूं दिखाउंदे हां जी दर्शन करवाउंदे हां जी। आ जाओ हाँ जी वाहगुरु जी ये पौड़ियाँ जो आप हेठा उतर के आ रहे हैं आप जी ने दर्शन करवाए हैं ये संगत वालों दसा गया है कि ये पौड़ियाँ जो हैं गुरु साहब जी के समय दियाँ पौड़ियाँ हैं भाई जैता जी के समय दियाँ ये रस्ता वो अक्सर ही अपनाया करते सन जदों किला आनंदगढ़ साहब जी जाता सी क्योंकि ये अपना जिहड़ा किला आनंदगढ़ है ये बिल्कुल एक उच्ची पहाड़ी के उपर बनाया गया है जी। तो इसलिए इनू थले जाने लिए काफ़ी वड्डियां पौड़ियां हैं इन 84 पौड़ियों का जिन्होंने नाम दिता गया। मैं वीर जी ने बेनती करदा कि संगत को वधिया तरीके दे नाल जो संगत ने सानू दस्या है कि 84 पौड़ियां हन पौड़ियां दे दर्शन चंगी तरह संगत नू करवाए जाण जी तां कि संगत नू भी इस रस्ते दा पता लग जावे। ये सारियां पौड़ियां हन जी ये पुरातन समय दियां दसियां जा रही हन गुरु साहब जी दे समय दियां संगत वल्लों जो इस इतिहास बारे साडे नाल गलबात कीती है जी ये वो पौड़ियां हन जी जिस दे बारे आप जी नूं इस वीडियो दे दौरान असीं इतिहास सरवण करवा रहे हैं जी।
इस तो अगे फिर अगे बाजार शुरू हो जाता है जी। ये पौड़ियाँ की इतों तक समाप्ति है। इस तो अगे फिर जिहड़ा शहर का बाजार है जी वह शुरू हो जाता है। इस तरफ इहदियां पौड़ी दियाँ जो शुरुआत है जी इतों शुरू होंदी है जो बाजार तो गुरद्वारा तप स्थान भाई जैता जी वल ये पौड़ियाँ का रस्ता जाता है जी। संगत वालों जिक्र किया गया है कि इस रस्ते राही जी जदों किले नूं छड्डिया जाता है तो इस रस्ते का इस्तेमाल करके जो सिंह हैं तो इस रस्ते दे राही किले नूं छड्डदे हैं जी। कुछ संगत इस रस्ते थानी भी गुजर के जाती है जी।